नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्ष टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 एंड्रॉयड मोबाइल रूटेड ऐप्स के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ रूटेड मोबाइल्स के लिए है। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है और आप चाहते हैं रूट करना, तो मैं आपको आई बटन ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके रूट कर सकते हैं फ़ोन को। अपने फ़ोन को रूट करने के बाद आपको सिंपली इन ऐप को इंस्टॉल करना है और इनका फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है सुपर SU, जिसको हम सुपर यूज़र भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन रूटेड होगा तभी ये काम करता है, और अगर आपका फ़ोन रूट है तो आपके फ़ोन में ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो भी फ़ोन में आपके ऐप्स हैं जो रूट की परमिशन मांगते हैं, ये उनको सुपर यूज़र की परमिशन दे देता है। इसका मतलब वो आपके फ़ोन में चेंजेस कर सकते हैं, इनको सुपर यूज़र की परमिशन मिल जाती है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है एक्सपोज इंस्टॉलर। तो ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये आपके फ़ोन को, अगर आप उसमें कस्टम रोम डालना चाहते हैं या उसको अपने रोम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप बिना नई रोम फ्लैश किए आप इसको एक्सपोज इंस्टॉलर की मदद से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। दोस्तों, थर्ड नंबर पर मैंने इसमें रखा है ग्रेविटी बॉक्स को। तो ग्रेविटी बॉक्स एक तरीके से वो ऐप है जिससे आप अनगिनत चीज़ अपने फ़ोन में आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ अपने फ़ोन में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ग्रेविटी बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार को चेंज कर सकते हैं, ऊपर आप बैटरी इंडिकेशन देखेंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं, बूट के टाइम आप अपने एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है ऐप जिसका नाम है टाइटेनियम बैकअप। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन में जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं उनका बैकअप बना सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर आप मान लीजिए उसमें से डिलीट हो जाए, तो आप ये इसमें बैकअप फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके डाटा को भी सेव करता है उसमें, तो आपका डाटा भी कहीं नहीं जाता है अगर आप इसमें बैकअप बनाते हैं तो। दोस्तों, इस फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है ऐप जिसका नाम है ग्रीनिफाई। तो इस ऐप की मदद से आप अपने बैटरी की लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं, इसका मतलब आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों आपके बैकग्राउंड में जो फालतू ऐप चलते रहते हैं उनको ये क्लीन कर देता है, हाइबरनेट में ले जाता है। इसको आप रूट की परमिशन देंगे तो उसके बाद ये आपके ऐप को इस तरीके से क्लीन करेगा कि आपकी बैटरी लाइफ उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मेरी बैटरी लाइफ इसमें बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों, सिक्स नंबर पे मैंने इसमें रखा है एड ब्लॉक प्लस को। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से अगर आप देखेंगे कि साइट में किसी विजिट करते हैं, अगर आपके में ये इंस्टॉल है तो आपको उसमें कोई भी ऐड नहीं दिखाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स में बहुत सारे ऐड दिखाते हैं जो बहुत ही फालतू के होते हैं, और उसमें आप कभी कभी क्लिक कर देते हैं तो आप गलत कहीं भी किसी भी साइट में चले जाते हैं, तो वो आपका डाटा भी उसमें चुरा सकते हैं। तो इसकी मदद से आप उससे बच सकते हैं, इस ऐप की मदद। तो दोस्तों, अब हमारे पास सेवेंथ नंबर पे है ऐप डम्पस्टर। तो इसकी ये सिंपली एक ऐप है, जैसे आपने रिसाइकल बिन देखा होगा तो ये उसी की तरह एंड्रॉयड का रिसाइकल बिन है। अगर आपसे कोई भी चीज़ गलती से डिलीट हो जाती है तो ये इसमें आके सेव हो जाती है, आप इसमें से रिस्टोर कर सकते हैं उसे, और अगर चाहें तो आप इसमें से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में एट नंबर पे मैंने रखा है ES फाइल एक्सप्लोरर को। तो दोस्तों, आपके पास इनबिल्ट फाइल एक्सप्लोरर होगा, लेकिन ये उससे बहुत ही अलग है। आप इसको रूट की परमिशन ग्रांट करिए, इसके बाद ये आप इसमें से अनगिनत बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट जिप फाइल एक्सट्रैक्टर है, ये तो सिर्फ छोटा सा है। आप इसमें आपके सिस्टम के जो इनबिल्ट सिस्टम है आप उसमें विजिट कर सकते हैं, आप इसमें से फाइल सेंड कर सकते हैं दूसरे को। अगर आप चाहें इसमें आप अपने डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं, और इसमें भी रिसाइकल बिन आपको मिल जाती है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एक फाइल एक्सप्लोरर है। तो दोस्तों, इसके बाद नाइन्थ नंबर पे मेरे पास है रूट कॉल ब्लॉकर। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप अपने अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस
सिंपली आपके अनवांटेड कॉल को ब्लॉक कर देता है और मैसेज को भी ये ब्लॉक कर सकता है। ये आपके कॉल को इस तरीके से ब्लॉक करता है कि आपके पास जो भी कॉलर है उसके पास ये मैसेज जाता है कि आप अनरीचेबल हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास 10th और लास्ट ऐप है रिकॉर्डर। तो दोस्तों जिसकी मदद से मैं अभी अपने मोबाइल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप इसमें मैक्सिमम 1 घंटे तक अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को भेजना चाहें या कोई भी आप गेम प्ले कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करना कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।